और भाई मैं जिस टीम में रहूंगी उस टीम का नाम रहेगा पंडा। गाइस दैट मेरे को बताना कौन सा सही रहेगा 13 या फिर 14। ओके लेट्स गो। ए भट्टा है। ओ कैच। वैसे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। सो अभी आप लोग टाइम देख सकते हो, कसम से मैं बता रहा हूँ 4:30 हो चुके हैं, क्योंकि कल मेरा शूट था और उसका शूट का पैकअप भी 2 बजे हुआ और मैं घर आया ही 3 बजे। और मैं मतलब लाइक ऐसा फोन चलाते चलाते 4:00 बजे मैं सो गया था, फिर उसके बाद अभी इतनी लेट उठा हूं। और कल का व्लॉग आने का रीजन यही है दैट कि जो कल शूट वाला व्लॉग मैं कल ही डाल देता, बट फिर उन्होंने मेरे को मना किया दैट कि ये जो सॉन्ग है ये जब रिलीज होगा उसके बाद डालना, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू मतलब ऐसा कि जल्दी ही लुक रिवील हो जाए करके। सो इसके रीजन की वजह से कल वाला व्लॉग नहीं आ पाया, बट आज वाला क्या यहाँ से कंटिन्यू लगेगा और जैसे गाना रिलीज हो जाएगा फिर देन उसके बाद वो वाला व्लॉग जो कल मैंने शूट किया है वो मैं डाल दूंगा उसी दिन। ठीक है। सो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, बिकॉज मेरा मन कर रहा है ओरियो शेक पीने का और ओरियो जो है वो घर पे खत्म हो चुका है और मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है मेरी याद का ओरियो शेक, और मैं मैगी और ओरियो शेक बहुत टेस्टी बनाता हूँ भाई। सो ओरियो लेके आ चुका हूँ मैं एंड ऑब्वियसली ज्यादा लेके आया हूँ मैं भाई, मम्मी बोल रही है कि वो ज्यादा लेके आ जाता। मम्मी को भी पूछ लेते मम्मी पियोगी आप भी थोड़ा सा इतना। ओके डन। मैंने तो बोल दिया था कि मेरी मम्मी को मेरे हाथ का ओरियो शेक बड़ा पसंद है। उस दिन पहली बार मैंने खाया क्योंकि मैं भी जल्दी से कुछ नया चीज नहीं खाती, पर बहुत ही ज्यादा टेस्टी और टेस्टी बनाया था भाई। उस टाइम पे मेरे हाथ का पहला बार मम्मी ने ओरियो शेक पिया होगा भाई साहब। अगर ओरियो शेक बेटर बनाना ना, मस्त बनाना है, मतलब नॉर्मली ओरियो शेक जो है वो बन जाता है, बट उसमें अगर ओट्स डालोगे ना कसम से ओट्स का फील ही अलग है। अगर आप लोग ओट्स नहीं खाते हो तो मत डालना, बट अगर खाते हो भाई साहब मजा आता है, एक बार ओरियो शेक में डाल के देखना। मैंने मम्मी को ये चीज बोला कि मम्मी यार मैं सोच रहा था दैट आईफोन 14 ले लूं कि नहीं, 14 नहीं 13 या फिर 14 जो भी बेटर रहेगा, बिकॉज मेरा जो आईफोन जिससे मैं शूट कर रहा हूँ अभी ये मेरा 12 है एंड मेरे को ऐसा था कि मैं डायरेक्ट 14 लूंगा करके। मेरा जो अभी ये फोन है ना एकदम बिल्कुल मरने वाला है टाइप, मतलब ऐसा हो गया कि इसका क्वालिटी भी जो है धीरे धीरे जा रहा है, स्पेस भी फुल हो गया है। मेन रीजन ये है दूसरा फोन लेने का दैट मेरा स्पेस फुल हो चुका है। अभी जो भी नेक्स्ट फोन लूंगा मैं वो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन सा बेटर है 13 या फिर 14, बट मम्मी मेरी बोल रही है कि अभी मत लेना करके, बर्थडे में लूं। बर्थडे मेरा पता है कब है? अगस्त को है और अभी क्या है जनवरी चल रहा है। मम्मी के इतना है ना, मम्मी बोलती है कि खर्चा तुम कम करा करो, बट वो एक ही खर्चा खुद पे नहीं करेंगे तो और किस पे करें। अभी खुद सोचो दीदी की शादी की है इतना, मतलब हाँ वो भी है ऑब्वियसली यार, दीदी की शादी भी की है उसके लिए, बट आई नो वो तो है ही, उसमें तो हो गया खर्चा, बट मम्मी बोली ये वाला ले ले रहे, मेरे को नहीं चाहिए अपना खुद ही रखो फोन। बट वही मैं बोल रहा था दैट कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा लेने का, वो मैं यही मंथ के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में लूंगा, बट मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज आप इतने ज्यादा मतलब बोलते ना मैंने फैमिली का नाम दे रखा है आप लोग को, यूट्यूब फैमिली, तो वही की फैमिली से भी बोलेंगे। हाँ तो यार ऑब्वियसली तो वो फैमिली वो बोलेंगे ना, आप तो बोलोगे ही मतले नहीं, वो तो ऑब्वियसली वो तो बोलेंगे, तभी तो उनसे पूछा है, आपसे थोड़ी पूछा है तभी तो पूछा है आपसे थोड़ी, मुझे पता आप मना करोगे। गाइस दैट मेरे को बताना कौन सा सही रहेगा 13 या फिर 14। ओके सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 6 और ऐसा लग रहा है भाई कितनी रात हो चुकी है, मतलब मुंबई में भी इतनी जल्दी जल्दी रात होने लगी, देहरादून का तो सुना था बिकॉज वहाँ पर ठंड है, बट यहाँ पर भी ठंड नहीं है, बट कल जो इतनी ठंड लगी ना शूट पे भाई मैं बता नहीं सकता। बाकी तो अभी क्या है रेडी वेडी होके निकल रहा हूँ घूमने के लिए, इन्फिनिटी मॉल जा रहा हूँ। भैया एक मास्क दे दो, मास्क कितने का ये? 5 का। सो भाई अगर आप लोग एक्टिवा में और मुंबई जैसे शहर में हो भाई मास्क लगाना जरूरी है, नॉट एज एन उसके लिए, बट वो ये कि जब आप गाड़ी चलाते हो ना इतनी ज्यादा खतरनाक धुआं आता है, इतना ज्यादा वो बोलते हैं ना चेहरे पे लग जाता है कि भाई हालत खराब हो जाती है गाड़ी चलाने में। मास्क कंपलसरी है ब्रो, वरना तो पॉल्यूशन से भाई ऐसी हालत खराब हो जाती है। और भाई कहाँ घूम रहे हो भाई? टारगेट मैंने डायरेक्ट इनको बोला कि मैं ना डायरेक्ट जारा के बाहर मिलना, बिकॉज मेरे को ना कैब लेना था, बट यहाँ पर कोई ढंगा कैब था नहीं। बताओ स्कैम तो बताओ अपने साथ क्या हो गया ऑटो वाले भैया के साथ। ऑटो वाला भैया आगे तक गया मैं बता रहा हूँ इनको, मैंने बोला रोड बंद हो गई और यू टर्न ले लिया उसने। अबे यार मैं बता रहा हूँ, मैंने इनको ये चीज बोला, मैंने थोड़ा सतर्क रहना भाई यहाँ के कुछ 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 ऑटो वाले। मैं तेज था। अच्छा आप तेज। मैंने ओला में पहली बस दी थी उसे। अच्छा ओला। अच्छा ओला वाला ऑटो गया था, सही गया परफेक्ट। दूसरा उसका जो मीटर था ना उसमें दिखा रहा 208 और मैंने दिए 158। मैंने इनको ये चीज बोला, मैंने ना कुछ कुछ ऑटो वाले ना मुंबई में थोड़े से हो जाते कैसे लेके जाना है, इफ अगर वो एक्सेंट से समझ जाते, पता है मैं बता रहा हूँ, कुछ 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 ऑटो वाले जो है बहुत तेज होते हैं भाई, वो समझ जाते कि इनका एक्सेंट थोड़ा बार बार का लग रहा है मुंबई के नहीं है, तो वो थोड़ा ज्यादा घुमा के ले जाते हैं। तो भाई लोग मैंने तो टोपी ले ली है, मैंने जारा में भी देखा था, जारा में भी मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था एक छोटा सा वो लेने में भी टोपी लेने में, बट फिर मेरे को बहुत सही मिल गया। बट अभी क्या हार्दिक भाई यहाँ पर चेक कर रहे हैं, उनको कुछ क्रॉक्स चाहिए भाई साहब, हम तो क्या चिल चिल में घुस गए क्रॉक्स में। कितना ही होगा ज्यादा से 1200 रुपए मैक्स भाई। हार्दिक भाई ना मार्वल के इतने बड़े फैन है, इतने बड़े, तो उनको क्रॉक्स में थोड़ा मार्वल का चाहिए था, तो इन्होंने बोला कि भाई मार्वल का जो भी अलग सा स्टिकर होता है वो चिपक सकता है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ लगता है, तो बोलता है एक स्टिकर, एक छोटा सा स्टिकर
कितने का था? 449 का। फिर हमने इतना सा छोटा सा, चलो भाई वो भी कर दे, चलो हमने नहीं लेना था, चल ठीक हटा दिया मार्वल। मैंने पूछा कितने का क्रॉक्स, बोलते 3000 से स्टार्टिंग। 3000 से स्टार्टिंग है क्रॉक्स, ऑब्वियसली चप्पलों को 3000 से स्टार्टिंग। कसम से अगर मम्मी 150 वाले से भी मारे और 3000 से भी मारे, लगना उतना तेजी है यार को, तो मम्मी को छूने ना दूंगी, ये बैठ के मत मारो, तो जान से प्यारा है। लो लो ये लो, ये दूसरा चप्पल ले लो, ये लो हवाई चप्पल लो तुम, इससे मारो, ये लगेगा। नहीं नहीं ओवर एक्सपेंसिव था यार। सो गाइस अभी हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है मॉल में, बस ये स्टारबक्स लिया है, अभी जा रहे हैं हम वापस से शॉट खेलने के लिए। भाई हमारे पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं मुंबई में, ना ही घूम सकते, क्योंकि मैं खुद देहरादून से हूं, भाई खुद चंडीगढ़ से, हमें यहां पर आइडिया ही नहीं है कुछ। भले मेरे को यहां पर 2-3 साल हो चुके हैं मुंबई में, बट वही है कि इतना ज्यादा घूमने की जगह मेरे को कोई नहीं पता। जो भी लोगों को घूमने की जगह पता है ना बेस्ट बेस्ट मुंबई की, प्लीज कमेंट में बता दो यार, क्योंकि ताकि हार्दिक भाई 3 महीने के लिए इधर, इसलिए कोई अच्छा सा बेटर प्लेस, नाइस खाने वाला भी घूमने वाला भी। ओ तेरे भाई कितने सारे लोग हैं इधर, लुक हु इज हियर, हाय काजल, आप जो इग्नोर कर रहे हो ना मेरे को, वो तो लग ही रहा था एंट्री में आते ही मेरा रिएक्शन ओ माय गॉड ही था। मजाक कर रही है लड़की, है जगह। एंड डॉल इज आल्सो हियर, हाय डॉल, हाउ आर यू आफ्टर एजेस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हमने प्लान बनाया था शॉर्ट्स जाए करके, बट फिर वो ये कि फायदा नहीं था, तो हम यहाँ गेम ही खेल रहे हैं। इतने कम लोग क्यों इधर ना यार, एक तरफ यहाँ पर कितने 30-40 लोग हैं और सिर्फ एक तरफ हम सिर्फ 6 लोग हैं। मैं बोल रहा था भाई क्रिकेट खेलना आता है कि नहीं आपको? मैंने बहुत जोर से, भाई मैं बॉल से बैटिंग करता हूँ, बैटिंग से जी भाई साहब, मेरे को भी इतना ज्यादा नहीं, भाई बचपन से फुटबॉल ही खेला है मैंने। इतना ज्यादा नहीं, मतलब आता है थोड़ा बहुत तो आता है यार, टच करना तो आता है, बट इतना प्रो वाला भी नहीं यार, बचपन से फुटबॉल ही खेला है मैंने तो। फुटबॉल में तो भाई ये तो मेरा पहला टाइम है भाई ऐसे टफ में खेलना, मतलब मैंने नहीं खेला कभी। मैं जिस टीम में रहूंगी उस टीम का नाम रहेगा फंटास, और अपोजिट वाला, अपोजिट वाली थी उसका नाम संडास। संडास भाई ये सब नाम भी रख रखा है भाई। सबसे मैं कितने टाइम बाद ही मिल रहा हूँ यार, भाई आज ही मैं मोटी हो गई, मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, पहले तो ऐसे पकड़ता था, अब इतना बड़ा भाई ये टफ में आके इतना सही हो गया ना, दैट कि मेरे को यहाँ पर ना मतलब नाइट है ना पूरा, तो फिर इसमें ना टॉर्च जलाने की जरूरत नहीं होगी, तो मेरी व्लॉगिंग फुल लाइटिंग की वजह से। थैंक यू लाइट्स, थैंक यू। ओ भाई बैट भी आ गया, पानी भी आता है इधर, वेरी नाइस। मैंने मंगा लिया, लगेगा ही ना मांगने के बाद। टॉफ खेलने ऐसे आए हैं जैसे बैट बूट सब होगा हमारे पास, मांगना पड़ा इधर। नहीं टफ में खेलने आए, वेरी गुड यार, फर्स्ट टाइम वो पूरा पता चल रहा है भाई, फुल बॉल एंड ऑल पैकेट में दे रही है। इसमें कभी चार्ज होगा, चार्ज है इसका भी? पहले आप नहीं जाओगे मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता स्टार्टिंग का मैच इतना लंबा चले, और ये बंदा इतना ज्यादा वो है ना तेज, ये पता है बोल रहे कि मुझे खेलना नहीं आता, ये खेलना आता है इनको, ये बस सरप्राइज करना चाहते हैं। अभी देखो एक बॉल ऐसा कराऊंगा भाई आउट होएंगे डायरेक्ट। सुनो ए, मुझे वो प्रो वाली नहीं आती, भट्टा कराऊंगा, भट्टा लेट्स गो, ए भट्टा है ओ कैच, लड़की ने आउट कर दिया, लड़की ने आउट कर दिया। नहीं नहीं क्या होता है, नहीं नहीं बचाओ, क्या हुआ बताओ, लड़की ने आउट कर दिया। अब सौम्या की बारी है भाई, कैच गाइस, मेरी बैटिंग देखो यार। अच्छा था ना गाइस? जी ब्रो, कितना गंदा व्लॉग कर रहा हूँ मैं भाई, खेलते खेलते यहाँ पर देखो हालत, डॉल फुल पानी एंड ऑल, हम प्रो प्लेयर इसलिए हम थक गए। भाई साहब बहुत ही मस्त मैच था, अभी सब कुछ गेम हो चुका है, अभी जा रहे हैं हम कुछ खाने के लिए। ओके सो गाइस खाना वगैरह भी सब कुछ खा लिया है, एंड अभी मैं घर पे वापस आ चुका हूँ, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, ओके बाय बाय। चलो भाई चलो, सब सो गए होंगे।